उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जल्द गरजेंगे भारत के लड़ाकू विमान। सुखोई मिराज और राफेल जैसे फाइटर प्लेन छुएंगे आसमान की ऊंचाइयों को। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। अब भारतीय वायुसेना इसका टेस्ट करेगी। गौरतलब है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर मिराज 200, जैगवार सुखोई 30 और सुपर हरक्यूलिस विमान उतारकर परीक्षण किया गया था। अब बारी है उत्तर प्रदेश के दूसरे लंबे एक्सप्रेसवे यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। उत्तर प्रदेश में जारी एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य के बीच एक कमाल की खबर आई है कि वहां बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी यानी एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके दो एक्सप्रेसवे पर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। उनकी मदद से फाइटर प्लेन की आपातकालीन लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। यूपी सरकार में अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। इस कड़ी में एक्सप्रेसवे पर कोणे भार यानी सुल्तानपुर के पास 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का काम भी पूरा कर लिया गया है। यहां भी कैटेगरी के एयरक्राफ्ट की लैंडिंग किया जा सकता है। जल्द ही भारतीय वायुसेना इसका परीक्षण करेगी। ये एयर स्ट्रिप सुल्तानपुर जिले के पास है यानी कूड़े भार के पास। और आपको बताते चले कि ऐसी एयर स्ट्रिप यानी हवाई पट्टी का उपयोग तब किया जाता है जब दुश्मन देश घरेलू एयरबेस व हवाई पट्टी को क्षतिग्रस्त कर देते हैं या नुकसान पहुंचा देते हैं, तब ऐसे एयर पट्टी का उपयोग किया जाता है दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए। बता दें कि यूपी में पहली हवाई पट्टी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनी थी, अब दूसरी हवाई पट्टी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनकर तैयार हुई है। दोनों हवाई पट्टियों पर ही आपातकालीन लैंडिंग और टेक ऑफ टेक ऑन की सुविधा उपलब्ध है। बता दें कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे वाली हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना मिराज 200, जैगवार सुखोई 30 और सुपर हरक्यूलिस विमान उतारकर परीक्षण किया गया था। इस एक्सप्रेसवे की मदद से पूरे नॉर्थ यूपी को जोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वे मिराज, मिग, जैगवार सुखोई और इसके बाद अभी खरीदे गए राफेल विमान उड़ाकर पूरी तरीके से परीक्षण किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के हिंडन और आगरा एयरबेस जरूरत पड़ने पर इन एक्सप्रेसवे का हवाई पट्टी के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान से चल रहे तनाव के बीच अगर कभी युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो इन हवाई पट्टियों का अहम भूमिका देखी जाएगी। वैसे बता दें कि जब भी एयर पट्टी का आविष्कार होता है उसको खास तौर पर ध्यान रखकर किया जाता है कि कभी उस पर दुर्घटना ना हो और जरूरत पड़ने पर अपने फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर और बाढ़, आपातकालीन स्थिति या फिर युद्ध समय पर अपने घर में बनी रोड पर बनी एयर स्ट्रिप का प्रयोग किया जा सके ताकि दुश्मन देश को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्षति पहुँचाई जा सके और आपदा के काल में राहत सामग्री तेज गति से पहुँचाई जा सके। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं था रवि भट्ट और आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ अयोध्या। धन्यवाद।